नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल ज्ञान टिप्स में। आज हम आपके द्वारा ही पूछे गए 5 सवालों का जवाब देंगे, साथ ही उनका वैज्ञानिक तर्क भी देंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला सवाल, मासिक धर्म में स्त्रियों का मंदिर या धार्मिक कार्यों में जाना वर्जित क्यों है? धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का मासिक धर्म के दिनों में मंदिर में जाना या किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना पूर्ण वर्जित है। सनातन धर्म के अनुसार इन दिनों में स्त्रियों के शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, जिससे उन्हें अपवित्र माना जाता है और उनको दूसरे लोगों से अलग रहने का नियम बनाया गया है। प्राचीन काल में महिलाओं को मासिक धर्म के समय में कोप भवन में रहना पड़ता था और इस समय महिलाएं बाहर जाना आना नहीं करती थी। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर से गंदगी निकलती है तथा एक विशेष प्रकार के तरंगे निकलती है जो दूसरे लोगों के लिए हानिकारक होती है तथा उनसे संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ही स्त्रियों को इन दिनों में अलग रखे जाने की प्रथा शुरू की गई। दूसरा कारण यह भी है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, इसलिए इन्हें इन दिनों में घर के सभी कार्यों से दूर रखा जाता है ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों महिलाओं को मासिक धर्म के समय मंदिर या धार्मिक स्थलों में जाना वर्जित है। दूसरा सवाल, क्यों जरूरी है कान छिदवाना? कान छिदवाना बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने समय में ऋषि मुनि, राजा महाराजा कान में कुंडल पहनते थे। आज के समय में कान छिदवाना एक फैशन बन गया है, जिसे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग अपना रहे हैं। स्त्रियां श्रृंगार करने के लिए कान छिदवाती है तथा कानों में कुंडल, बालिया आदि पहनती है। अब इसका एक वैज्ञानिक कारण सुन लीजिए। कान छिदवाने का अब वैज्ञानिक तर्क भी अब हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से कान छिदवाना स्त्री व पुरुष दोनों के लिए लाभदायक है। कान में एक नस होती है जो दिमाग तक जाती है। कान छिदवाने से इस नस में रक्त संचार नियंत्रित रहता है, जिससे सोचने की शक्ति बढ़ती है तथा बोलने में भी होने वाली समस्या खत्म होती है और दिमाग शांत रहता है। पुरुष के द्वारा कान छिदवाने से उनमें होने वाली हर्निया की बीमारी खत्म होती है। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। कान छिदवाने से एक्यूपंचर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को नजर भी नहीं लगती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरी है कान छिदवाना। तीसरा सवाल, महिलाएं क्यों पहनती हैं पैरों में बिछिया? हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछिया पहनती हैं। इसका भी कुछ वैज्ञानिक तर्क है, आपको पता होना चाहिए। पैर की दूसरी उंगली में चांदी की बिछिया पहना जाता है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुँचने वाले रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म भी नियमित रूप से होता रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिलाओं के शरीर में करती है। विवाहित महिलाओं के पैरों में बिछिया पहनने की मान्यता यूं ही नहीं है। सामान्य तौर पर बिछिया पैर की दूसरी उंगली में पहनी जाती है। इस उंगली की एक खास नस यूट्रस से होती हुई दिल तक पहुंचती है। पैर की उस उंगली में बिछिया पहनने से यूट्रस मजबूत होता है, जिससे कि मासिक नियमित रूप से होता रहता है। चांदी एक अच्छा कंडक्टर है जो कि धरती से ऊर्जा ग्रहण करके शरीर तक पहुंचाता है। चौथा सवाल, महिलाएं नाक की नथुनी क्यों पहनती है? नाक की नथुनी महिलाओं को और भी सुंदर बनाती है। सालों से महिलाएं नाक में नथुनी एक श्रृंगार के रूप में पहनती है, पर क्या महिलाओं के नाक की नथुनी मात्र एक आभूषण है? जी नहीं, इसका भी कुछ वैज्ञानिक तर्क है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार नाक पर एक विशेष नोड के निकट नाक की छेद महिलाओं में मासिक अवधि के दौरान दर्द को कम करने में मदद करता है। इसलिए लड़कियों को और साथ ही वृद्ध महिलाओं को नाक के छल्ले पहनना चाहिए। ज्यादातर बाएं नाक में ही नथुनी पहनी जाती है, क्योंकि बाएं नथुनी से आने वाले नसों को महिलाओं के प्रजनन अंगों से जोड़ता है। इस स्थिति में नाक छेदने से प्रसव को कम करने में मदद मिलती है, इसलिए महिलाओं को नाक में नथुनी पहनना बहुत ही जरूरी है। पांचवा सवाल, क्यों नहीं पहनते हैं हाथ के अंगूठे में आभूषण या कोई भी छल्ला या रिंग? हमारे पूर्वज बताते हैं कि बालिकाओं और महिलाओं को हाथ के अंगूठे में रिंग या कोई भी आभूषण पहनने से मना किया जाता था। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इसका भी एक वैज्ञानिक तर्क है जो आपको जानना बहुत जरूरी है।
विज्ञान के मुताबिक हाथ का अंगूठा सीधे मस्तिष्क की वो तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है जो कामुकता के हार्मोन को प्रोत्साहित करते हैं। अंगूठे में किसी भी धातु के घर्षण विशिष्ट मस्तिष्क यूरोन को जन्म देती है। इसी कारण से औरतों में कामुकता की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए लोग अंगूठे में कोई भी आभूषण को पहनने से मना करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन बातों का अर्थ अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, इसलिए हाथ के अंगूठे में कोई आभूषण नहीं पहना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आपका अगर कोई सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके सवाल का उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।